Students, today we are going to learn about mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and division. Okay, so first of all I am going to teach you about addition. तो addition में जिन digits का हमें sum करना होता है उन्हें addend कहते हैं और जो उसका sum होगा उसे हम sum कहते हैं. तो first हमने यहाँ पर example लिया जैसे 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एडेंड हो जाएगा जिसको हम डिनोट कर सकते हैं A1 से. ओके, और ये 4, ये क्या होगा एडेंड 2, ये एडेंड 1, ये एडेंड 2, और इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला 7. तो ये क्या हो जाएगा इसका सम जिसको हम डिनोट करते हैं S से. ठीक है, अब हम और एग्जांपल लेते हैं जैसे 2 + 5 = 7. ओके, हमने यहाँ पर एडेंड लिए दो. पहला एडेंड लिया हमने 2, दूसरा एडेंड लिया 5, और इनका सम क्या हुआ 7. अब हम 3 डिजिट्स के एडिशन में देखते हैं. तो डिजिट्स लेते हैं हम 4 + 5 + 1 = 10. अब यहाँ पर मैंने 3 डिजिट्स लिए. ओके, 4, 5 और 1. अब 4, 5 और 1 क्या है हमारे पास एडेंड्स है. 4 क्या है एडेंड 1 दैट इज A1, 5 है एडेंड 2 दैट इज 4 है A1, 5 है एडेंड 2 दैट इज A2, और 1 है एडेंड 3 जिसको हम डिनोट करेंगे A3 से. अब इन तीनों को ऐड करके हमारे पास इसका एडिशन कितना आया 10. तो ये क्या है हमारा सम जिसको हम डिनोट करेंगे S से. तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई, एडिशन में जिन डिजिट्स का एडिशन होता है उन्हें एडेंड्स कहते हैं. एडेंड प्लस एडेंड, एडेंड 1 प्लस एडेंड 2 इक्वल्स टू सम. समझ में आया. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम मोर एग्जांपल्स. अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. तो हमने यहाँ पर लिया है 10 + 24 + 15 = इसका हमने एडिशन किया 49 आया. ओके, तो हमारे पास 10 यहाँ पर क्या है एडेंट 1 जिसको हम A1 से डिनोट करते हैं. 24 है हमारे पास एडेंट 2 जिसको हम A2 से डिनोट करते हैं, और 15 है हमारे पास एडेंट 3 जिसको हम A3 से डिनोट करते हैं. अब हमने इन तीनों एडेंट्स को ऐड किया और हमारा एडिशन क्या आया 49. तो इसे कहते हैं सम जिसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब ये तो हो गई छोटे डिजिट्स की बात. अब हम कुछ बड़े डिजिट्स पर आते हैं. तो हमने यहाँ पर लिया है 4964 + 7902. हमने इसका एडिशन किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 12,866. ओके, तो यहाँ पर ये 4,964 हमारे पास क्या हो जाएगा एडेंड 1 जिसको हम A1 से डिनोट करते हैं. उसके बाद 7,902 ये हो जाएगा एडेंड 2 जिसको हम A2 से डिनोट करते हैं, और फिर ये क्या है हमारे पास इनका एडिशन मतलब रिजल्ट क्या है ये सम जिसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं. ठीक है, हम देखेंगे दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सब्ट्रैक्शन में जिस डिजिट जिस नंबर में से हमें दूसरा नंबर माइनस करना होता है उसे मिन्यूएंड कहते हैं. जिस नंबर में से हमें किसी नंबर को माइनस करना होता है उसे मिन्यूएंड कहते हैं, उसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं. और जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, जो नंबर हमें माइनस करना होता है उसे सब्ट्रहेंड कहते हैं. ठीक है, जो नंबर हमें माइनस करना होता है उसे सब्ट्रहेंड कहते हैं, जिसे हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं. अब मिन्यूएंड मतलब जिसमें से हमें माइनस करना है, और सब्ट्रहेंड यानी जिसको माइनस करना है. तो माइनस करने के पास हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसे डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, उसे डिफरेंस कहते हैं और कैपिटल D से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया है 10 - 4 = 6. तो 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिन्यूएंड
जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ओके। और 4 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रेहेंड, जिसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हमने लिया है 72 - 18 = 54। 72 वो नंबर है जिसमें से हमें 18 माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा मिन्यूएंड, जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। उसके बाद हमें 18 माइनस करना है, तो 18 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ सब्ट्रैहेंड, जिसे हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आया हमारे पास 54, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। एक और एग्जांपल अब हमने बड़ी डिजिट में लिया है, तो हमने लिया है यहाँ पर 4096 - 2714 = 1382। ये 4096 यहाँ पर क्या है, मिन्यूएंड है, क्योंकि हमें इसमें से माइनस करना है, तो ये क्या है हमारे पास मिन्यूएंड, 2714 को माइनस करना है, तो ये क्या है हमारे पास सब्ट्रैहेंड। और इन दोनों को माइनस करने के बाद इनका जो डिफरेंस है वो आया हमारे पास 1382, तो ये क्या है डिफरेंस, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, ओके।